33 करोड़ बच्चों को तो दे चुके हैं पिछले 6 साल में, वहां तो कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या उम्मीद करें कि यहाँ होगा, लेकिन फिर भी कुछ होगा तो तैयार है, हम तैयार है, हम पूरी तैयारी से कर रहे हैं काम, ये नहीं है कि कहीं भी कोई गफलियत होगी। अच्छा सर, 33 करोड़ के अंदर में भारत के अंदर में फुटपाथ में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको भी क्या, उनको भी कवर किया गया। আবার আসছে সেই জন্য গভর্নমেন্ট একটা ওয়ার ফুটিং এ নিয়েছে যে এই পুরো যে কোহর্ট বলা হয় 9 মাস থেকে 15 বছরের প্রায় 2.3 করোড় মতন এই বাচ্চাদেরকে 100 পালস, যেরকম ম্যাডাম বললেন যে পালস ভ্যাকসিনেশন তাতে আমরা ওই ট্রান্সমিশন ভাইরাস ট্রান্সমিশন চেইনটাকে বন্ধ করতে পারবো। আমরা এজ এ WHO টিম আমরা টেকনিক্যালি গভর্নমেন্টকে পুরো সাপোর্ট করছি অ্যালং উইথ আওয়ার পার্টনার্স লাইক ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ প্রেডিক্টিভ সায়েন্স ক্লাব, ইউনিসেফ, এইটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড। এবার আমি স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার, ইউনিসেফ থেকে আমাদের ডক্টর সুরেশ ঠাকুর এখানে আছেন। सर एकटा ये बहुत सारे गार्जियन जो है ना वो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ हो जाएगा तो क्या स्कूल रिस्क लेगा, और इसलिए बहुत सारे स्कूल सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ दे रहे हैं और कुछ हो गया तो फिर कौन रिस्क लेगा। सर इस पर सर बताइए सर। हाँ, तो बेसिकली ये देखिए, फर्स्ट तो है कि 33 करोड़ बच्चा मिल गया है सारे देश में कुछ लास्ट 2-3 साल में, 33 करोड़ में बहुत बड़ा है, बहुत सारा देश का ही पॉपुलेशन 33 करोड़ नहीं है, तो 33 करोड़ बच्चे को तो ऑलरेडी मिल गया, इसीलिए ये टेस्टेड है कि ये सेफ है। फर्स्ट, सेकेंड है कि स्कूल सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहा है लेकिन मेन ये हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये जो मैडम सर बैठे हैं ये लोग अपने ट्रेन वैक्सीनेटर को भेज रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ का अरेंजमेंट है, कोई फुल सिस्टम रहेगा एंड विथ रैपिड रिस्पॉन्स टीम, मेडिकल कॉलेजेस, कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी एंगेज रहेंगे, तो पूरा एक सिस्टम बना रहेगा। और हमारा एक्सपीरियंस है बाकी स्टेट्स में कि ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है, वो सेफ एंड पुराना वैक्सीन, नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं है। हम लोग इस डिजीज को सिर्फ, जैसे कोविड हुआ, ये कोविड से भी ज्यादा इन्फेक्टिव है। कोविड एक बच्चे की या दो बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता था, कोविड किसी एक आदमी या दो आदमी को, एक मिजल्स होगा तो वो 16 से 17 आदमी को एक साथ इन्फेक्ट कर सकता है, तो मिजल्स बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो हम लोगों को अभी इसको कर चीज को एलिमिनेट कर देना है, यही हमारा गवर्नमेंट ओवरऑल इसमें काम कर रही है।